आज हम बनाएंगे बनाना केक। और बनाना केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है, वनीला एसेंस लिया है, 1/4 बेकिंग सोडा और 1/4 कुकिंग सोडा लिया है, 6 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर लिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स गार्निश करने के लिए आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और ये स्मॉल साइज के 6 केले लिए हैं, 1 कप दूध और 1 बार डार्क चॉकलेट का लिया है। अगर आपके पास चोको चिप्स हो तो आप वही इस्तेमाल करें। तो चलिए फटाफट केक बनाना स्टार्ट करते हैं। केले और दूध को मिक्स करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप दूध ऐड कर देंगे। ये स्मूथ पेस्ट बनके रेडी हो चुका है, अब हम ये इसमें डाल देंगे। अब हम सीव की हेल्प से मैदा को छान लेंगे। अब इसमें कोकोआ पाउडर ऐड कर देंगे और ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और अब इसे छान लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप दूध और लिया है। जब आपको लगे मिक्सचर थोड़ा ड्राई है तो आप थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर लें। 2 से 3 बूंद वनीला एसेंस डालेंगे। अब इसमें ये क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ। घी की जगह आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये 4 टेबल स्पून के लगभग चीनी ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम लगातार अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक आप ओवन को 180 डिग्री पर 10 मिनट प्री हीट कर ले। मोल्ड को मैंने अच्छे से हल्का घी लगा के ग्रीस कर दिया है, आप बटर भी लगा सकते हैं। अब हम मिक्सचर शिफ्ट कर देंगे। अब इसे हल्का इस तरह टैप कर देंगे ताकि ये इक्वली सेट हो जाए। 2 टेबल स्पून के लगभग ये डार्क चॉकलेट क्रश करके मैं इस पे गार्निश कर दूंगी। आप यहाँ पे चोको चिप्स से गार्निश कर सकते हैं। ओवन में 180 डिग्री पे हम इसे 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पे ये केक बनकर रेडी हो चुका है। अब हम टूथपिक डाल के इसमें चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से अंदर तक पक चुका है। हम देख सकते हैं ये केक कितना स्पंजी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो ये चॉकलेट बनाना केक आप गर्मा गर्म खाएं और एंजॉय करें।